मेरे पास जैकेट्स है और 500 की सेल है। अच्छा, 500 रुपए की सेल है जी। तमाम जैकेट वगैरह जो यहाँ दिख रही है हर तरह की, वो 500 में मिलेंगी। 1000 जैकेट के 1000 है बाबू। VVIP there, only 1000 बाबा। 200 रुपए की तमाम शर्ट जी। जी, सारी 300 की है जी। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम शर्ट्स 300-300 रुपए में मिल रही हैं। चाट फालूदा वगैरह मिल जाएगा, बन कबाब वगैरह यहाँ मिल जाएगा, तो खाने वाने की भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं बाजार में। 200 रुपए टमाटर हैं। बैंगन किस तरह है? 60 रुपए बैंगन है। गाजर 100 रुपए किलो गाजर मिल रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ दानिश खान और आप देख रहे हैं यशटेक सर्विसेज। और आज मैं मौजूद हूँ कराची के एक संडे बाज़ार में, जो कि वाक़ है गुलिस्ताने जौहर में। और आज इस बाज़ार को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस कीमत पे यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, क्या आम बाज़ारों से यहाँ पे सस्ती हैं चीज़ें, क्वालिटी वाइज कैसी हैं, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से इंटरव्यू भी लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस बाज़ार में आएँ तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो व्यूवर्स, वीडियो आपने देखनी है पूरी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो संडे बाज़ार में मौजूद हैं हम। यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे जैकेटें वगैरह आपको मिल रही हैं। सैयद जाकिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं ज़रा थोड़ा सा कि किस रेट पे दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं? मेरे पास जैकेट्स है और 500 की सेल है। अच्छा, 500 रुपए की सेल है जी। तमाम जैकेट वगैरह जो यहाँ दिख रही हैं हर तरह की, वो 500 में मिलेंगी जी। कोई सी भी ले लें, 500 की हुई है कुछ, ठीक है, कोई सी भी ले लें 500 रुपए की, कोई सी भी ले लो 500 रुपए की है। ये जैकेट्स है, इसकी प्राइस है 500, कोई सी भी ले लें 500 है। यहाँ पे जैकेटें मिल रही हैं, जो कि हर तरह की जैकेट आपको यहाँ पे 500 रुपए की मिल जाएगी। डिस्काउंटेड प्राइस है, ये फिक्स प्राइस है, फिक्स है, एक ही दाम होता है। शॉपिंग मॉल में लेने जाएं तो ये जैकेट 4,000 से 5,000 रुपए की है। सही है, हम स्टॉल पे देते हैं 500 रुपए। मतलब अगर किसी को रियायत में मिल भी रही होगी 2,500 की तो मिलेगी जी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 500 रुपए की जैकेट है भाई। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो अगर आप लोगों ने जैकेट लेनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं, जाकिर भाई से मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, आपका भी शुक्रिया। 1000 जैकेट के 1000 है बाबू। VVIP there, only 1000 बाबा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। तो सर, ये आपके पास कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मौजूद? हमारे पास जो है शर्ट्स है, जैकेट्स है, अपर है, होडी है, अपर वगैरह मौजूद है, जैकेट्स हैं यहाँ पे, ट्राउजर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। सर्दियों के मखसूस आइटम है, मुख्तलिफ है आपके पास? मखसूस है, डिफरेंट है। और ये क्या प्राइस क्या है? ये 1000 की जैकेट्स है और 1000 की जैकेट्स हैं जी जी, और 400 की शर्ट्स हैं, और ट्राउजर हैं जो 800 के हैं, 400 के हैं। यहाँ देख सकते हैं शर्ट्स वगैरह मिल रही हैं आपको, और इसके अलावा जैकेटें मिल रही हैं। जैकेटें देख सकते हैं आप, जैकेटें वगैरह मिल रही हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और जैकेटें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको ख़रीदारी करनी है आप यहाँ आ सकते हैं। संडे बाज़ार स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में इनका स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। और अगर आपसे कोई ऑनलाइन लेना चाहे तो नंबर बता दें अपना। 0315 27 3004। ठीक है, ये इनका नंबर आ गया ऑनलाइन। अगर किसी ने ऑनलाइन बाय करनी हो तो नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो सर्दियाँ आ चुकी हैं, बेहतरीन स्वेटर यहाँ पर मौजूद है 200 रुपये में। ये आप देख सकते हैं स्वेटर, काफ़ी अच्छे अच्छे स्वेटर यहाँ पे, जर्सी स्वेटर यहाँ पे मौजूद हैं, और आप 200 रुपए में लेके जा सकते हैं। ये देखें, 200 रुपए में आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये इंस्टॉल है यहाँ पे, जैकेटें भी मौजूद हैं, स्वेटर भी हैं, और 200 रुपए मिल रहे हैं भाई ये संडे बाजार में। सर आपका नाम? सुरेश कुमार। 200 रुपए की बेच रहे हैं। 200 रुपए की तमाम शर्ट्स जी जी, ये आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर 200 रुपए की शर्ट्स मिल रही हैं, अगर आप यहाँ आना चाहें, विजिट करना चाहें, ठीक है। और अगर आपसे कोई लेना चाहे अपना नंबर बता दें। 0349-3575-381 ये नंबर है इनका। अगर कोई यहाँ पे ऑनलाइन अगर बाय करना चाहे तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, बाकी विजिट करना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपए की शर्ट मिल रही है भाई। एक और स्टॉल पे मौजूद है, यहाँ पे शर्ट्स मौजूद है, सारी ही वाइट शर्ट्स हैं। जिन लोगों को वाइट शर्ट्स चाहिए होती है ऑफिस वगैरह के लिए, तो यहाँ पे शर्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और प्राइस भी पूछते हैं किस प्राइस में यहाँ पे मिल रही हैं, क्या कीमत है इन शर्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये क्या कीमत क्या है इन शर्ट्स की?
सारी 300 की है जी। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम शर्ट्स 300-300 रुपए में मिल रही हैं। अगर आपको वाइट शर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, कॉटन की और दूसरे कपड़े की यहाँ पे पॉलिस्टर वगैरह की वाइट शर्ट्स यहाँ पे मौजूद है और आप ले सकते हैं। तमाम शर्ट जो है वो 300-300 रुपए में यहाँ पे सेल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, हमारे साथ मौजूद हैं और फजल भाई का ब्लैंकेट का शॉल है यहाँ पे। फजल भाई से पूछेंगे, फजल भाई बताएं थोड़ा सा क्या कीमत है इसमें। आपको सिंगल पड़ेगा तकरीबन 2500 रुपए का नए में, और आपको अगर डबल चाहिए क्वालिटी में फ़र्क है 4000, 4500, 5000, और अगर यूज़ में चाहिए यूज़ में तकरीबन आपको 2500 रुपए का पड़ेगा। मुख्तलिफ दाम है, इसी कंबल भी है मेरे पास, वो इसी कंबल रखे हुए ये सामने कंबल सारे देख नए सकते हैं यहाँ पे, सारे नए कंबल यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें ये यूज होते हैं बिल्कुल न्यू होते हैं आपके? बिल्कुल नए सारे ये सामने यूज रखे हुए हैं। अच्छा, ये कुछ यूज कंबल भी है लेकिन ये न्यू कंबल का काम है ज्यादातर इनके पास। क्या कीमत में क्या फर्क है, क्या वजह है? इंशाल्लाह बाजार में जो रेट होते हैं मार्केट से 1000 या 1500 रुपए का कम डिस्काउंट में होते हैं। ठीक है जी, आपको यहाँ से सस्ते रियायती कीमत में मिलेगा। फजल भाई थोड़ा सा दिखाएं जरा, कुछ दिखाएंगे जरा साइज वगैरह क्या है। ये आप देख सकते हैं इस तरह के कंबल होते हैं, ये साइज़ भी आप चेक कर लें और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सही है फजल भाई, साइज़ पता लिया। इसकी प्राइस बताएं फजल भाई। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 2500 रुपया फाइनल होगा, 2150 होल सेल रेट होगा। बहुत शुक्रिया फजल भाई। किसी को ऑनलाइन आपसे चाहिए तो आपने अपना नंबर बता दें। 0307-5739-462। मेरा बनारस में खुद होल सेल का काम भी है, आपको रिटेल में भी मिल सकते हैं होल सेल में। सही है, चलते हैं किसी और इंस्टॉल पे और दिखाते हैं आपको क्या चीज़ कितने में मिल रही है। संडे बाज़ार अगर आप आना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन जो है वो गुलिस्तान जौहर में, जो अलादीन पार्क आप देखते हैं, अलादीन पार्क के साथ। अलादीन पार्क तो अब ख़त्म हो चुका है लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक मैदान है, उस वहाँ लगता है ये संडे बाज़ार। और इसके दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये है जो कपड़े वगैरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा सेक्शन जो है वो ये है ग्रोसरी वगैरह, आपको सब्ज़ी वगैरह और बर्तन वगैरह क्रॉकरी वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये दो सेक्शन है यहाँ पे, तो ये लोकेशन है। बाकी और लोगों से पता करते हैं यहाँ के बारे में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बाज़ार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मैं अगर कवर करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और रश बहुत है आज बाज़ार में भाई। 2 बजे का टाइम है और रश आप देखें बहुत है बाज़ार में, तो आप लोग भी टाइमली निकल गए हैं। 8 बजे तक लगता है ये बाज़ार, सुबह ही 9-8-9 बजे बाज़ार लग जाता है और रात जो है वो तकरीबन 10 बजे तक बाज़ार होता है। लेकिन आप जितनी जल्दी आना चाहें उतनी जल्दी आएँ क्योंकि रश बहुत होता है। ये खाने पीने के ठेले वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें आपको चाट वगैरह मिल जाएगी, चाट फालूदा वगैरह मिल जाएगा, बन कबाब वगैरह यहाँ मिल जाएगा, तो खाने वाने की भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं बाज़ार में। ये देखें बारबेक्यू वगैरह भी बन रहा है यहाँ पे, बारबेक्यू का स्टॉल भी मौजूद है, बर्गर भी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, हलीम बिरयानी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है खाने पीने के लिए। तो खाने पीने के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ आते हैं संडे बाज़ार में तो मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये देखें हलीम और चिकन बिरयानी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा दही बड़े वगैरह, चाट वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। ये हम एक और स्टॉल पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी जैकेटें वगैरह आप देख सकते हैं, जैकेटें वगैरह मिल रही हैं यहाँ पर भी, स्वेटर्स जैकेटें वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे नीचे भी पड़ी हुई है स्टॉल पे काफ़ी सारी चीज़ें और 300-500 इस तरह के रेट्स हैं और 800-1000 मुख्तलिफ डिफरेंट वैरायटी आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक स्टॉल मौजूद है, मुख्तलिफ स्टफ़ यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे पूछेंगे अगर इनका कोई नंबर है, अगर ये ऑनलाइन काम करते हैं तो वो भी इनसे पूछ लेते हैं। तो भाई अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाय करना चाहे तो अपना नंबर बता दें जी। व्हाट्सएप का नंबर है 0347-8483-537। बहुत शुक्रिया। काफ़ी कपड़े आपको पेंटे जीन्स शर्ट्स स्वेटर वगैरह जैकेटें वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन वहाँ पर है, वहाँ क्रॉकरी वगैरह और आपको मुख्तलिफ जो है वो ग्रोसरी वगैरह का सामान वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ट्राउज़र वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर, ये भी एक स्टॉल मौजूद है यहाँ पर, ये जीन्स वगैरह का स्टॉल है यहाँ पे, जीन्स वगैरह मौजूद हैं, ये रज़ाइयाँ वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे, ब्लैंकेट्स मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे पर्दे वगैरह और इस तरह की चीज़ें कर्टन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई ये एक स्टॉल और मौजूद है यहाँ पे, ब्लैंकेट वगैरह भी मौजूद है। भाई ये कितने कितने के हैं ब्लैंकेट्स? अलग अलग रेट हैं। ये क्या है, कितने का है और इसका साइज़ क्या है? अच्छा, फुल बेड की रज़ाई है ये, और इसकी क्या प्राइस है?
आपको पड़ जाएगा 1500 रुपये। ये 1500 रुपये का पड़ेगा। और इसी तरह मुख्तलिफ रेट्स हैं, अलग अलग ब्लैंकेट्स वगैरह मौजूद हैं। या ब्लैंकेट की वैरायटी वगैरह देख सकते हैं, ब्लैंकेट है, रज़ाइयाँ हैं, ये देखें, ये रज़ाई है, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है, ये देखें, ये बिल्कुल न्यू है, ये आप देख सकते हैं। तो इनकी कीमत क्या सेम है, सबकी कीमत अलग अलग रेट है। ये वाइट वाली, ये 1200 रुपये की है, डबल बेड की, ये 1200 की है, ठीक है। अच्छा, ये एक और स्टॉल मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट ट्राउज़र मिल रहे हैं। ये 400-400 रुपये के ट्राउज़र हैं भाई, ये अपर लगे हुए ऊपर। ये अपर्स वगैरह कितने के भाई? 800, 1000, 700, 500, 600। अच्छा, डिफरेंट प्राइजेज हैं यहाँ पे, 500, 800, 1000, 700, इस तरह के प्राइजेज हैं। जैकेट्स वगैरह भी मौजूद हैं, ट्राउज़र मौजूद हैं। ये अपर ऊपर लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी काफ़ी सारे अपर्स वगैरह मौजूद है, डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट रेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ आ सकते हैं आप, यहाँ से भी आप अपर्स वगैरह, ट्राउज़र वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं भाई। कितने में मिल रहे हैं ये ट्राउज़र वगैरह यहाँ पे? ट्राउज़र है सारे 400-400 रुपये में भाई, ट्राउज़र मिल रहे हैं। ट्राउज़र आप देख सकते हैं, ये देखें, ये ट्राउज़र है, और मुख्तलिफ ट्राउज़र यहाँ पे मौजूद है, सब 400-400 रुपये में भाई। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे संडे बाज़ार में मिलती हैं, जिसके रेट बहुत ही मुनासिब होते हैं, कीमतें बहुत कम होती हैं। तो ये फ़ायदा है आपको यहाँ आने का। ये 400 रुपये की सेल लगा दी है इन्होंने भाई, आप देखो 400-400 रुपये में मिल रही हैं। मुख्तलिफ अपर्स हैं यहाँ पे, जर्सियाँ हैं, क्या है, अपर वगैरह यहाँ पे मौजूद है 400-400 रुपये में। ये टॉय शॉप मौजूद है, बच्चों के खिलौने वगैरह भी मौजूद हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं भाई। ये क्या प्राइजेस वगैरह क्या है इनके, क्या कीमत? सारे 200 के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 200-200 रुपये की चीज़ें हैं यहाँ पे सारी, बच्चों के टॉयज वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप आके बच्चों के खिलौने वगैरह भी बाय कर सकते हैं। फिर क्रॉकरी वगैरह इस तरह के सारे आइटम यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बड़ा बाजार है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो जो एक्सप्लोर कर सकूँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने क्रॉकरी वगैरह का सामान लेना है तो वो भी यहाँ मौजूद है, और आप देख सकते हैं डिफरेंट आइटम्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो एक तो ये है कि रेट वगैरह के हवाले से आप देख लें आपको बाज़ार में किस रेट पर यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, और यहाँ किस रेट पे, ये आप कंपैरिजन खुद कर लीजिएगा। और बाकी जो है आपको एक ही जगह पे तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, आपको ये फ़ायदा हो जाता है यहाँ आने का। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि किचन में यूज़ होती हैं, आपके क्रॉकरी बर्तन वगैरह यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ जो है वो आपके लिए ग्रोसरी वगैरह का भी सामान मौजूद है, परचून वगैरह का, और आप जो चीज़ें बाज़ार से लाते हैं वो जो आप घर के करीब शॉप्स वगैरह से लेते हैं, तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगी। कि आप ख़ुद यहाँ जब विज़िट करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ वहाँ पे कितने की मिल रही है आपकी तरफ। यहाँ बाज़ार आने में आपको फ़ायदा है, या वहीं से लेने में फ़ायदा है। तो ये देख सकते हैं आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर फ्रूट वगैरह भी मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ भी मौजूद हैं, उसके भी रेट हम मालूम करेंगे और कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो भाई केले किस तरह दर्जन है? सब 100 रुपये दर्जन है, ये 100 रुपये दर्जन यहाँ पे केले मिल रहे हैं भाई। सेब वगैरह मौजूद हैं, सेब किस तरह है? 250। सेब और अमरूद 250 के सेब हैं, अमरूद 150, अमरूद किस तरह बताएं? 150 में अमरूद। कीवी आया भाई, कीवी कितने का? 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिल रहा भाई कीवी। अब ये देख लो, कीवी है, सेब है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, फ्रूट वगैरह मौजूद है। तो ये जो फ्रूट आपको दिखा रहा हूँ संडे बाज़ार का है, तो ये मुझे मुनासिब लगा, ये मैंने ले लिया 1 किलो कीवी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी तरफ जो है वो क्या रेट है फ्रूट वगैरह के, और यहाँ पर क्या आपको मुनासिब लग रहा है। तो मुझे तो ये मुनासिब लगा, 300 रुपये किलो, तो मैंने ये ले लिया भाई। रेट बताएँगे ज़रा थोड़ा, प्याज के क्या रेट है, आलू के क्या रेट है? मुख्तलिफ तरह के दो आलू दिख रहे हैं यहाँ पे, 100 रुपये किलो है भाई नया आलू।
ये रेड लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई रेड लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, तो ये रेड लिस्ट पे आपको यहाँ पे सामान मिल रहा है। बाकी आप खुद पता कर सकते हैं कि क्या रेट यहाँ पे मौजूद है। सब्जियाँ हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 200 रुपये टमाटर हैं। बैंगन किस तरह है? 60 रुपये बैंगन है। गाजर 100 रुपये किलो गाजर मिल रही है भाई, ये इस तरह के रेट यहाँ पे मौजूद है। अदरक किस तरह दे रहे हैं? 70 रुपये पाव भाई अदरक मिल रहा है आपको। लहसुन साठ रुपये, 80 और ये छिलावा छिलावा भी 80 है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये थोड़ा सा रेट बता दें ज़रा, बैंगन वगैरह किस तरह दे रहे हैं? 40 रुपये किलो दे रहे हैं बैंगन। और गाजर 60 रुपये किलो। शलजम 50 रुपये किलो। शलजम 50 है भाई, आप देख सकते हो काफ़ी मुझे मुनासिब लग रही हैं यहाँ पे चीज़ें, कीमतें। बाकी आप ख़ुद अपने इलाके से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे सब्ज़ी यहाँ से लेनी चाहिए, अपने इलाके से लेनी चाहिए। मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं यहाँ पे। कंप्यूटर भी मौजूद है यहाँ पे, LED भी मौजूद है, CPU मौजूद है, मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह यहाँ मौजूद है। ये कंप्यूटर ऑन है, इसके क्या प्राइस है? 15,000 में मिल रहा है भाई ये कंप्यूटर। बुक्स भी मौजूद है भाई यहाँ पे, डिफरेंट बुक्स यहाँ पे मौजूद है। ये बच्चों के खिलौने वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी सारे इस तरह के शॉल वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। कवर करते हैं जो जो चीज़ें हम यहाँ कवर कर सकेंगे। बॉटल्स वगैरह भी यहाँ पर मिल रही हैं। ये देखें यहाँ पे, ये पेन वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। पेन वगैरह काफ़ी किचन का आइटम है। काफ़ी सारा के इस तरह के देखें यहाँ पे क्रॉकरी, यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे क्रॉकरी यहाँ पे मौजूद है भाई। ये जूते वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, शूज़ हैं और जोकर्स वगैरह हैं। सही है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं आप। इसकी 3,000 रुपये का, यहाँ की क्यों लेगा बंदा 3,000 के दोगे तो? 3,000 का दे रहा भाई, आप देख लो रेट वगैरह, आप अपने हिसाब से देख लेना। दुकान मैंने आपको दिखा दी है, बाकी आप देख लेना यहाँ पे रेट किस तरह से है, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है भाई? ये वाला 1,000 रुपये का, ये 1,000 रुपये का पड़ेगा भाई बैग, आप देख सकते हैं। 1,200 बोलते हैं। अच्छा साइज है इसका, क्या साइज क्या होगा इसका? ये देखो आप, ये साइज है भाई, ये 1,000 रुपये पड़ेगा और अच्छा ब्रांडेड बैग है। अलग अलग प्राइजेज हैं, बाहर से आए होते हैं ये बैग। आप सारे बैग हैं यहाँ पे, लेडीज के बैग वगैरह भी मौजूद है और काफ़ी अलग अलग बैग अलग अलग प्राइस पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े साइजेस के अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे भी इन सब के अलग अलग प्राइस होंगे यकीनन। सर ये बताएंगे थोड़ा सा, ये इसके इसकी क्या प्राइस है ये सूट केस के? जी ये 15,000 रुपये का है भाई, और अच्छे महंगे बैग यहाँ पर मौजूद है। और ये इसके बताएँगे सर, ये रख इसके, ये 3,000 रुपये का भाई, आप ये देख सकते हैं ये बैग है, ये 3,000 रुपये का है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे व्यूअर्स यहाँ से यहाँ पे लोगों के इंटरव्यू भी ले सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे थोड़े से दो चार सवाल, अगर वो ये कि आप यहाँ पे कीमत वगैरह कैसे देखते हैं, चीज़ें कैसी देखते हैं यहाँ पे? क्या सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आ रहे हो, लोगों को इंट्रोडक्शन कराए पूरे इतवार बाज़ार का। तो इतवार बाज़ार में फ़ायदा ये है कि यहाँ चीज़ें आम मार्केट से है ना, जो बाज़ार में बड़े बड़े उनसे ये यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है जी। और ये है कि इधर आपकी रेंज की चीज़ें मिलेगी, सही है। हर जगह जिधर आप जाओगे, इधर नहीं है कहीं और ये पूरा आप इतवार बाज़ार मार्केट घूमोगे तो आपको रेटों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो और बाज़ार जो कराची में लगते हैं संडे बाज़ार, वो अच्छे हैं या ये बाज़ार अच्छा है यार क्वालिटी के हिसाब से, कीमतों के हिसाब से? भाईजान दो तीन घूमे हैं, दो तीन की वजह से है, जिधर अभी हम कर ये गुजारा कर रहे हैं दो तीन की। ये अच्छा है ये भाईजान, सही है। और आप यहाँ क्या खरीदारी करने आए? ब्लैंकेट वगैरह लेना है भाईजान? तो फिलहाल तो अभी कंबल का पता कर रहे हैं। सही है, आपको कीमतें कैसी लगी यहाँ पे भाईजान? अभी पता कर रहे हैं, सही है, उस हिसाब से फिर हम खरीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम मुजबैर है। और आप यहाँ आए बाज़ार, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे किसी दोस्त ने बताया था ये कराची का बेहतरीन बाज़ार है अलादीन बाज़ार जी। तो यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है और मैं आया हूँ पंजाब से, मुल्तान से। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत सस्ती चीज़ें हैं और तकरीबन हर एक वैरायटी यहाँ पे इजीली आपको मिल रही है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा रहा, सस्ती चीज़ें मिली हैं, सस्ती मिली हैं, अच्छी चीज़ें मिली हैं, बेहतरीन है, शूज़ वगैरह मिल रहे हैं और A to Z तकरीबन जो भी चीज़ जहन में है सभी यहाँ पे इजीली अवेलेबल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, नाम क्या है भाई आपका? हसीन नाम है।
वसी भाई कैसा लगा बाजार, आप यहाँ आए कैसी लगी प्राइजेज वगैरह, कैसा बाजार एक्सपीरियंस है कैसा रहा? ऊपर थे, बहुत ऊपर प्राइस थे इसके। अच्छा प्राइस ऊपर थे, बहुत ऊपर प्राइस, लोग तो बता रहे हैं यहाँ पे प्राइस मुनासिब है। मुनासिब वो बोल लेते, वो तो ये जो हमने लिए। अच्छा ये शूज वगैरह लिए, 600 रुपए के लिए, लेकिन वही 2000-1500 बोल लेते वो। सही है, मतलब मुनासिब है बाजार या मुनासिब? बाजार तो वैसे मुनासिब है, लेकिन जो उनके स्टार्टिंग है ना वो थोड़ा हार्ड है। चलें बहुत शुक्रिया भाई आपका। अभी हम मौजूद हैं मरकजी शिकायत ऑफिस पर, यहाँ पर हमारे साथ अली भाई मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे बाजार के हवाले से और कुछ इनका मौकफ भी लेंगे कि जो लोग यहाँ आते हैं कि उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अली भाई थोड़ा सा बताएं आप। हम तकरीबन सारा दिन ही अनाउंस करते हैं कि ख्वातीन दौरान ख़रीदारी अपने सामान, पर्स और बच्चों की हिफाजत करें। सही। अच्छा ख़रीदारी के अंदर होता ये है कि ख़वातीन इतनी मशगूल हो जाती हैं कि उन्हें बच्चों का होश नहीं रहता, बच्चे कहीं से कहीं, वो तो काला बुरखा देखा उन्होंने कहा ये मेरी मम्मा जा रही हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर वो परेशानी की सूरत में हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उसको फेस करना पड़ता है। दूसरा ये कि ख़रीदारी के दौरान बड़े बैगों में, शॉपिंग बैगों में अपने पर्स मोबाइल डालकर आते हैं, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, अपना पर्स मोबाइल पैसे अपने हाथों में थाम के रखें ताकि कोई इस तरह के लोग आपके साथ खड़े होकर आपका पर्स मोबाइल और पैसे ना निकाल सकें। हम बार बार ये कहते हैं, अल्लाह का वास्ता हमारी उस बात को माने और अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, आप खुद करेंगे कोई दूसरा नहीं करेगा। असल में हमारे पास इस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह 80 वॉलंटियर का स्टाफ मौजूद है, ठीक है, जो कि बाज़ार के चारों तरफ और बाज़ार के अंदर मौजूद है, जो अंदर भी राउंड करते हैं, लोगों को देखते हैं कि किसी की कोई कंप्लेन हो फौरी तौर पे सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। दूसरा ये कि पार्किंग सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है, फ्री पार्किंग है हमारे यहाँ, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री पार्किंग हमने रखी हुई है ताकि लोग आए सहूलत से अपनी गाड़ी खड़ी करें। मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि खुदारा जो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, आने वाले सार्फिन उनके साथ कॉपरेट करें। हमने एक पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है कि जी आप अपनी गाड़ियां यहां पे पार्क करें, लेकिन लोग क्या कहें कि झुंझलाहट का शिकार कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो यहां जहां पार्किंग नहीं है वहां बाइक अपनी खड़ी कर दी, वहां गाड़ी अपनी खड़ी कर दी, उसकी वजह से तकलीफें हमें और हमारे वॉलंटियर्स को होती है। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू टाइम देने का। थैंक यू। ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।